नेपाल दौरे में मोदी को लुम्बिनी, मुक्तिनाथ और जनकपुर भी जाना था, लेकिन संसद के सत्र की वजह से ये दौरा छोटा कर दिया गया, जिस पर लोगों ने नाराजगी जताई थी। लेकिन अब मोदी की काठमांडू यात्रा को लेकर भी लोग खासे उत्साहित हैं। भारत और नेपाल के बीच दोस्ती की पहली बस आज शाम दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम से काठमांडू के लिए रवाना होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बस को हरी झंडी दिखाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि बस के जरिए दिल्ली से काठमांडू का ये सफर कैसा होगा। अम्बेडकर स्टेडियम से ये बस नोएडा होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचेगी। इसके बाद आगरा, इटावा, कानपुर होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। फिर वहां से फैजाबाद और गोरखपुर होते सनौली बॉर्डर से नेपाल सीमा में घुसेगी। यहां से बुटवाल, नारायणगढ़ और फिर मुगलिंग होते हुए काठमांडू पहुंचेगी। कल यानी बुधवार से ये बस रोजाना सुबह 10 बजे अम्बेडकर स्टेडियम से चलेगी। उधर नेपाल में काठमांडू से भी पहली बस दिल्ली रवाना होने को तैयार है। पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये बस नेपाल भारत मैत्री बस सेवा, जिस पर लिखा है ये काठमांडू दिल्ली काठमांडू बस सेवा, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। यानी काठमांडू और दिल्ली के बीच में ये डायरेक्ट बस सेवा जो आज से शुरू होने जा रही है, जिसका बहुत सालों से इंतजार था। नेपाल के लोगों को भी, दिल्ली के लोगों, भारत के लोगों को भी, आइए आपको बस के अंदर लिए चलते हैं। और यहाँ पर तमाम यात्री भी मौजूद है, बस के ड्राइवर से भी बात करते हैं और तमाम लोगों से बात करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, इस नेपाल भारत के ऐसा मिलन हो रहा है ना, इसको देखकर हम बहुत खुश हैं। दिल्ली से काठमांडू की दूरी 1200 किलोमीटर है। बस के सफर में 30 से 35 घंटे का समय लगेगा। दिल्ली से काठमांडू का किराया 2300 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम में मिलेगा टिकट। टिकट की ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकती है। हर बस में 39 सीटें होंगी। बस में कंडक्टर की सीट नहीं होगी। यात्रियों को एक पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। इस सेवा के लिए DTC कुल 6 वोल्वो बसें चलाएंगी। खास बात यह है कि सफर में बीच रास्ते में न कोई चढ़ पाएगा न उतर पाएगा। जुलाई में हुई दक्षिण देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में इस बस सेवा को लेकर सहमति बनी थी। और हर 6 घंटे पर एक स्टॉपेज होगा, जहां पर यात्री उतरेंगे और आराम कर सकेंगे। बहरहाल सीधे रुख करेंगे काठमांडू का, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरी झंडी दिखाने वाले हैं। शीतल राजपूत मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। शीतल, कितना इंतजार अभी और करना पड़ेगा लोगों को? चित्रा, इस वक्त मैं खड़ी हूँ, ये सिंह दरबार कहलाता है, जो कि यहाँ की सरकार का गढ़ है। सिंह, मेरे ठीक पीछे आप नेपाल के प्रधानमंत्री का कार्यालय देख रही हैं। ये प्रधानमंत्री पीएमओ है नेपाल का, काठमांडू के अंदर सिंह दरबार इसे कहते हैं। और यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। पीछे वो उनके लिए रेड कार्पेट भी बिछाई गई है, बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। और थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर नेपाली वक्त के मुताबिक 5:40 और भारत के वक्त के मुताबिक 5:25 पर हरी झंडी आपको दिखा दें। एक बार कैमरा में से होंगी, कैमरा घुमाए सामने, वो आपको बस दिखाई दे रही है, भारत नेपाल मैत्री बस, जो कि अब यहां लाई जा रही है इस सड़क पर। चित्रा, जिस पीएमओ के ठीक सामने सड़क, वहां से घुमाकर इसे लाया जाएगा और फिर इसी कोने पर, इसी मोड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 5:25 पर भारतीय वक्त के मुताबिक, 5:40 पर नेपाल के वक्त के मुताबिक इस बस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो आपको सामने दिख रही है। और फिर ये मैत्री बस जो है ये काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना होगी। तकरीबन 30 घंटे का सफर होगा। सरकारों के बीच ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है भारत और नेपाल की सरकारों के बीच, जिसे यहां की जनता बहुत ज्यादा सराह रही है, क्योंकि उन्हें बहुत समय से दरकार थी इस तरह की डायरेक्ट बस सर्विस की, जो जिससे उन्हें उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो आमतौर पर अमूमन प्राइवेट बसेस जो ऑपरेट करती हैं दिल्ली काठमांडू के बीच में, उसमें सफर के दौरान करना पड़ता है। पीछे ये प्रधानमंत्री कार्यालय नेपाल का सिंह दरबार से कहते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री तकरीबन आधा घंटा अंदर होंगे नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ, जहां तमाम तरह की बातचीत वार्ता जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला और हमारे प्रधानमंत्री के बीच होगी। और उसके बाद दोनों बाहर आएंगे और फिर उस तरफ उस मोड़ पर बस खड़ी रहेगी, जहां पर उसे हरी झंडी दी जाएगी। चित्रा, चलिए शीतल शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो बस पहुंच गई है, जिसको फूलों से सजाया गया है और अब बस 1 घंटे का तकरीबन और इंतजार, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी